गोरखपुर का ये वो मठ है जहाँ इतिहास गवाह है, इसकी एक अलग पहचान है तीर्थाटन के नज़रिए से भी, लेकिन इन दिनों ये मठ अपने आप में सियासत का केंद्र भी बन गया है। ये वही मठ है जहाँ से खुद योगी आदित्यनाथ आते हैं, सूबे के मुखिया। क्या एक बार फिर से वो इतिहास रचेंगे और क्या ये मठ एक बार फिर से सियासत के केंद्र में आएगा? इस मठ को लेकर तमाम मान्यताएं हैं। कहते हैं कि जो मुराद मानी जाती है वो पूर्ण होती है, और क्या जो खास तौर पर योगी आदित्यनाथ के मुरीद हैं, जो उन्हें अपना मानते हैं, जो इस वक्त मुराद लेकर आए हैं कि योगी एक बार फिर से 2022 में दोबारा सत्ता के शिखर तक पहुंचे, ना सिर्फ सत्ता के शिखर तक 2022 में पहुंचे, कुछ तो दावा कर रहे हैं कि ये लड़ाई 2024 तक जाएगी, क्योंकि वो देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पद के लिए भी अग्रसर होंगे अगर वो मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से विराजमान होते हैं उत्तर प्रदेश, यानी कि लखनऊ। एक तरफ लखनऊ और दूसरी तरफ सियासत का केंद्र है ये वो मठ जहां पर मैं इस वक्त खुद मौजूद हूं। हमारे साथ ऐसे ही लोग यहां पर मौजूद हैं जो अलग अलग राज्यों से भी आए हैं और बाकायदा अपनी बात रख रहे हैं। कहते हैं कि वो इसलिए आए हैं, देखने आए हैं कि यहाँ जहाँ योगी खुद पूजा करते हैं, जहाँ उनकी मुराद पूरी हुई, जरा देख ले कि आखिरकार वो मठ कैसा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं एटा से आया हूँ, मैं एटा युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ, भाजपा से। भाजपा से जी। इस मठ में आप आए, क्या कुछ देखने को मिला और क्या इसकी खासियत है? तो आप है भी बीजेपी से? बहुत कुछ सुना था कि हर मनोकामना पूरी होती है और बाबा जी यहीं से चुनाव भी लड़ रहे हैं और बाबा जी ने यहाँ से पूजा भी की है और हम लोगों में बहुत श्रद्धा है बाबा जी के लिए, तो हम लोग प्रचार के लिए भी आए और इसी बहाने से दर्शन भी गोरखनाथ जी के हो जाएंगे। तो हम लोग तो क्या लगता है योगी जी रिपीट कर रहे हैं? हाँ, योगी जी रिपीट करेंगे, पूर्ण बहुमत के साथ रिपीट करेंगे। हमारे यहाँ तीसरे चरण में वोटिंग हो चुकी है एटा में, हमारे यहाँ 4 सीटें हम चारों जीत रहे हैं बीजेपी से। अच्छा, लेकिन यहाँ गोरखपुर आप आए तो एक मन में जिज्ञासा भी होगी कि बाबा योगी का गढ़ है ये, कुछ इस तरह से था मन में? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बाबा जी के तो सभी मुरीद हैं यहाँ पर, जितने भी लोग हैं यहाँ, क्या मतलब हर देशों में, राज्यों में, शहर में, हर शहर में बाबा जी का पूरा जलवा है हर तरीके से। बुलडोजर बाबा की जय। बुलडोजर बाबा की? हाँ, बुलडोजर बाबा की जय। अच्छा, बुलडोजर बाबा की जय बोल रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं और क्या क्योंकि इस मैं कह रहा हूँ कि खास तौर पर जो सियासत का केंद्र भी बन गया ये मठ, आपको भी लगता होगा कि बाबा यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, यहाँ आते हैं और जब भी वो फ्री होते हैं खास तौर पर इस मठ से उनका वो लगाव है कि जैसे ही वक्त गुजरता है लखनऊ को छोड़ के वो मठ आ जाते हैं। जी, मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम युवराज है, मैं एटा से आया हूँ, हमारा ब्रज क्षेत्र में लगता है। और स्वाभाविक सी बात है, आजकल का जितना भी युवा है, यूथ है, जो पॉलिटिकल फील्ड में थोड़ा सा भी एक्टिव है, उसके मन में स्वाभाविक सी बात है बाबा जी का एक अलग ही जो मतलब स्थान है उनके हृदय में, बाबा जी के लिए एक अलग स्थान है। इसी मन से हम भी आज यहाँ बाबा जी के मठ में आए दर्शन करने के लिए और एक बार बाबा जी के लिए मन्नत भी मांगी है, प्रार्थना भी करी है। अच्छा, बाबा के लिए मन्नत मांगी? बिल्कुल। क्या मन्नत मांगी? इस बार की जो सीटें हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की, करीब 350 के पार जाएँ। 350 के पास जी। अच्छा, यहाँ पर एक मुराद मांगने के लिए एक त्रिशूल है भैरव बाबा का शायद, और उस पे मुराद मांगते हैं जी। तो वो मुराद मांगी जो वो मुराद मांगी है धागा बांध के वहाँ पे कलावा से, और कहते हैं मन्नत करते हैं जो वो पूरी होती है। अच्छा, कलावा बांधा है आपने जी, और उस पे क्या योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बांधा है या फिर प्रधानमंत्री बना? बाबा जी तो प्रधान मुख्यमंत्री बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन सब हमारा ये भी कि 2024 के बाद या 29 में भी हम अपने बाबा जी को दोबारा से प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखना चाहते हैं। अच्छा, पहले मुख्यमंत्री फिर प्रधानमंत्री जी, इसलिए आपने जो है मन्नत मांगी। लगता है मन्नत पूरी होगी? बिल्कुल, अवश्य पूरी होगी। हमारे साथ में जितने साथी हैं सभी लोग कह रहे हैं, और हमारे यहाँ तीसरे चरण का चुनाव हो चुका है। पहला चरण हुआ, दूसरा चरण भी हुआ, तीसरा चरण भी हुआ। हमारे यहाँ एटा और कासगंज दो जिले लगते हैं, 7 विधानसभाएं, सातों की सातों विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीत के आ रही है। क्या आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं, बिल्कुल बाबा आ रहे हैं। अनूप सिंह, हम देवरिया से हैं, देवरिया में 7 विधानसभा है, पिछली बार 6 था, इस बार 7 पर कमल खिलेगा। वो तो कह रहे हैं भाई साहब की मैंने तो मन्नत मांगी है, मुराद पूरी होगी मेरी, मैं प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाह रहा हूँ। देखना, हम भी संभव है, ये संभावना है, आने वाले समय में हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और ये संभावना बन रही है, जो राजनीतिक स्थितियाँ चल रही हैं उसको देख के संभावना बन रही है कि हमारे योगी जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आपको पता है योगी जी यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं?
जी पता है 322 सदर विधानसभा, पता है सदर विधानसभा 322 तो क्या आराम से निकाल लेंगे? एकदम एकदम, कोई नहीं है टक्कर में, साइकिल गए क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ योगी। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होगी बाबा जी की। अभी हम 5 बजे के आ गए हैं, उधर क्षेत्रों में घूम रहे थे, मुस्लिम एरिया है, वहाँ पर भी लोग काफी कुछ कह रहे थे कि हम तो सदैव देते आए मटको वोट, तो इस बार भी देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से कोई जीतेगा तो योगी आदित्यनाथ जीतेंगे गोरखपुर। सबसे बड़ी हार होगी तो करेल की होगी। सबसे बड़ी हार करेल की, करेल की बिल्कुल। जय भाजपा। अच्छा तो मतलब ये वादी है, हम लोग राष्ट्र के लिए समर्पित हैं और जो पार्टी राष्ट्र के हित में कार्य करेगी हम लोग हमेशा उसी के साथ रहेंगे। अच्छा बाबा को आप वोट देते हैं, आप कहते हैं कि हम योगी जी को वोट देते हैं, योगी जी को वोट क्यों देते हैं आप? हिंदुत्व के नाम पे, हिंदुत्व के नाम जी। योगी जी से बेटर ना आज तक कोई हुआ है ना होगा। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तीन नाम मत जाना, कौन नहीं, कोई नहीं है हिंदुओं के लिए, उनसे अच्छा कोई नहीं है, सिर्फ हिंदुत्व एजेंडा। हाँ सिर्फ हिंदुत्व, इसलिए आपको योगी ही चाहिए? एकदम चाहिए। अखिलेश भी तो कह रहे हैं कि मैं राम मंदिर बना दूंगा। नहीं, वो केवल हिंदुत्व की बात नहीं है, जो हमारी विरासत है उसको भी लो जिंदा करा। अखिलेश यादव ने तो मुजफ्फरनगर में दंगे करवा दिए थे 2013 में। कहते हैं करते नहीं है, आज तक कोई बोला नहीं है मुझे, वो केवल कहते हैं करते नहीं है। तो बाबा ने क्या किया? वो कह रहे सिर्फ अयोध्या में राम, पूछिए आप इन लोगों से क्या नहीं किया है बाबा ने, बताइए भाई साहब बताएंगे। नहीं मैं इनसे पूछ रहा हूँ जरा, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। सबसे मेन एजेंडा लेकिन हिंदुत्व है आपके लिए ना, हमारे लिए हिंदू हम बता रहे हैं बाबा। एक हफ्ते दिन और एक हफ्ते रात में पहले लाइट आती थी, अब गांव में 18 से 20 घंटे और शहर में तो 24 घंटे, ये बाबा काम किए। बाबा के राज में एक दंगे नहीं हुए। 2013 मुजफ्फरनगर कमाल गांव कौन भूल सकता है, कहराना कौन भूल सकता है, ये इस समय एक दंगा हुआ कहीं बताइए, कोई दंगा हुआ? फिल्म सिटी तो बहुत दिए हैं गोरखपुर, सब सारे सड़कें चौड़ी हो गई, इलेक्ट्रिक बस चल रही है, अब क्या चाहिए? फिर आएंगे, फिर विकास होगा, जो बाकी है वो पूरा इस बार पूरा होगा। आप इस मठ में आए हैं, इसकी मान्यता भी है और एक सियासत के केंद्र में इसलिए है क्योंकि खुद योगी जी यहाँ से आते हैं और यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं, आप इसको लेकर अपना क्या नज़रिया रखते हैं? देखिए नज़रिया ये है कि हिंदुत्व के लिए अगर यहाँ पे हैं तो बाबा जी हिंदुत्व के लिए, और ये बात विकास की है तो विकास तो योगी जी ने जितना किया है आज तक किसी भी नेता ने या किसी भी मुख्यमंत्री ने किसी भी प्रदेश के लिए इतना नहीं किया होगा जितना योगी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए। अच्छा, ये मातृशक्ति है हमारे साथ इस वक्त, योगी जी का नाम सुना आपने? हाँ जी सुना, योगी एकदम। आप जानते हैं इस मठ से उनका बहुत लगाव। हाँ बहुत लगाव है मठ से भी, और मतलब गोरखपुर से भी है। गोरखपुर जी बिल्कुल। कौन जीत रहा गोरखपुर? हमारी योगी जी जीतेंगे, और कौन जीतेगा? सिर्फ योगी जीतेंगे। योगी जीतेंगे बिल्कुल। अच्छा योगी जी कहते हैं हमने सुरक्षा व्यवस्था और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं, आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल बहुत संतुष्ट हैं। पहली बात तो पहले तो डर लगता था बाहर निकलते ही, अब तो बहुत रात में भी लड़कियां निकल रही हैं, आ भी रही हैं, जा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, मार्केट अकेले चली जा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, न तो चेन खिंचा रहा है, न तो कान में का बाली खिंचा रहा है, न कोई लड़का छेड़ रहा है, भाई इससे तो हम लोग सेफ है ना। लगता है कि योगी जी है तो सब चीज है, बस लेडीज के लिए बहुत कुछ है। बस एक शब्द में इतना ही कहना चाहूंगी, मतलब कुछ तो वजह होगी ना योगी जी क्यों अच्छे लगते हैं। जैसे उन भाई साहब ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुत्व है और हिंदुत्व की वजह से ही मैं उनको वोट देता हूँ, तो आपको क्यों अच्छे? हाँ ये हिंदुत्व की तो बात तो है, ये तो अभी मानेंगे क्योंकि हिंदू है तो हिंदू का पक्ष लेंगे ही। और पहली बात तो जितना काम योगी जी किए हैं आज तक किसी ने नहीं किया है। देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई हैं, हर चीज चारों तरफ देखने लायक रहता, कह सकते हैं हम भी कि हम गोरखपुर के हैं। शान से कहते हैं लोगों से हम गोरखपुर के, आके देखिए तो। जब आप कहते होगे गोरखपुर के हैं तो आपसे लोग पूछते होंगे ना अब तो, अच्छा वही गोरखपुर जहाँ से योगी जी आते हैं? हाँ जी एकदम ऐसे ही पूछते हैं। हाँ अच्छा वही वाला गोरखपुर जहाँ से योगी जी आते हैं। मैं भी बोलती हूँ मैं बगल में रहती हूँ योगी जी के, क्योंकि हम लोग का घर पास ही है तो हम लोग पास ही रहते, तो भाई हमारे लिए तो योगी जी बहुत बड़ी चीज है। अच्छा मतलब इसलिए योगी जी आपके लिए बहुत
बहुत बड़ी चीज है, जरूरी है, योगी जरूरी है, योगी जरूरी है। अच्छा अच्छा एक सवाल और पूछ लेता हूँ आपसे, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, योगी जरूरी है और मोदी जी? मोदी भी जरूरी है, मोदी भी योगी मोदी दोनों। अच्छा उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे या प्रधानमंत्री? मैं तो कोशिश करूंगी कि मतलब मोदी के बाद योगी ही बने प्रधानमंत्री। जी हाँ जी। तो आपको लग रहा है गोरखपुर जो है वो मुख्यमंत्री का चयन भी कर रही है और प्रधानमंत्री का? हाँ जी। अच्छा आप लोग कहाँ से आए? जी हम लोग दिल्ली से हैं। गोरखपुर से? हाँ गोरखपुर से ही हैं, अभी फिलहाल दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी। योगी जी? हाँ जी योगी जी को जानते हैं। जीत जाएंगे चुनाव? बिल्कुल जीतना पड़ेगा उन्हें, उन्हीं को ही आना चाहिए और वही जीतेंगे भी। और वही जीतेंगे भी। योगी जी को क्यों आना चाहिए? योगी है तो सब कुछ है, अब उनका नमक खा के कोई नमक हरामी करे तो ये हम लोग से तो नहीं हो पाएगा। वो है तो दूसरे नंबर पे है, उनके अलावा और कोई ऐसा नेता नहीं है, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, ऐसा कोई मुख्यमंत्री जी नहीं। आपको बहुत अच्छे लगते हैं योगी जी? उनका काम बहुत अच्छा लगता है, बहुत सराहनीय है। अच्छा क्या किया उन्होंने माता बहनों की? हॉस्पिटल बनवाए हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं और फ्री में दवाएं भी मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनकाउंटिंग है। अच्छा तो इसलिए योगी योगी? जी जी योगी 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 योगी। अच्छा सुरक्षा व्यवस्था, योगी कहते हैं कि हमने बहन बेटियों को सुरक्षा व्यवस्था दी है, कुछ असर है? टाइम में हम लोग खुलेआम चल सकते हैं, रात में भी जा सकते हैं, पहले ये चीज़ नहीं था मगर अब है। अब है? हाँ जी अब तो है, फिलहाल बहुत चीज़ अच्छी चीज़ है और लाइटिंग वाइटिंग हर जगह है, तो इस वजह से लड़कियाँ अकेले में मतलब अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करके नहीं एकदम अच्छे से जा सकती हैं, आ सकती हैं। कुछ कह रही थी? नहीं हम कह रहे भाई बहुत सेफ हैं उनके, पहले से बहुत सेफ हैं, बहुत ज़्यादा सेफ हैं हम लोग, बहुत अच्छा है। करेंगे कि इस बार भी योगी सरकार आए, योगी सरकार ही बस। आपने बात की मुराद की भी, आप जानते हैं यहाँ पर एक मंदिर के अंदर वो कलावा बांटते हैं और अभी बता रहे थे भाई साहब मुझे कि बोले कि मैंने मुराद मांगी है कि उनको प्रधानमंत्री बनाना है, तो मैंने इसलिए वो जो है मुराद बांधी, इसलिए वो कलावा बांधा है, तो इसलिए जो है उनको प्रधानमंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री नहीं। कुछ ऐसी मुराद मांगे हैं क्या आप? हाँ वही आए हम के लिए मांगा है, बट जैसे ही मोदी जी का खत्म होता है तो हमारी यही इच्छा है कि उसके बाद आदित्यनाथ ही बने हमारे प्रधानमंत्री। अच्छा इस मठ को लेकर भी तमाम मान्यताएं हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मठ को लेकर भी मान्यताएं हैं। आप कहाँ से भैया? भैया अयोध्या। अयोध्या से? अच्छा तो मतलब अयोध्या वासी हैं आप, एक गोरखपुर और दूसरा अयोध्या। भैया यहाँ प्राइवेट जॉब करता हूँ, उसके चक्कर में मैं यही हूँ, बाकी मैं रहने वाला अयोध्या के हूँ। अयोध्या जी? इस अयोध्या में तो खैर राम मंदिर को लेकर अब है लोगों के जहन में कि राम मंदिर बन रहा है। शहर की तो बात नहीं करता हूँ मैं, लेकिन गांव में ना बहुत तगड़ा क्रेज है मोदी और योगी जी का। गांव में मंदिर की वजह से बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और हमारे यहाँ 5 विधानसभा है, जो हमारी विधानसभा है मिलकीपुर है, वहाँ पे अभी जो प्रेजेंट टाइम के विधायक हैं वो क्या बोलते हैं गोरखनाथ बाबा हैं, ठीक है, तो वो तो हैं, बाकी 5 विधानसभा में हमारी योगी जी जीत रहे हैं। नहीं जैसे पहले हुआ करता था कि हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो अब तो ये हो गया कि तारीख भी बताएंगे और शिलान्यास भी करेंगे, नींव भी रखेंगे, तो क्या अभी भी जनता इस मुद्दे पर वोट देती है? ज़्यादा लाइटली इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा लाइटली पकड़े हैं लोग, क्योंकि अभी तक कोई किसी सरकार ने ऐसा कुछ काम किया नहीं है, ठीक है, सब लोगों ने अपना एजेंडा था। तो मंदिर, आप युवा हैं, मंदिर के नाम पर वोट देते हैं या फिर रोजगार के? नहीं रोजगार भी जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो धर्म सबसे बड़ा है, तो धर्म के लिए योगी जी को ज़्यादा चुनेंगे। धर्म के लिए? हाँ हिंदुत्व जी जी बिल्कुल। आइए आप कहाँ से आए हैं? हम गोरखपुर के हैं गीता। अच्छा गोरखपुर मतलब इसी विधानसभा से? सर हम यही के हैं, भागीरथी साहित्य मंच के हम संचालक भी हैं। अच्छा। और जहाँ तक योगी जी का सवाल है तो योगी जी के जस्ट पीछे पूरी एक आबादी मुस्लिमों की है, और यह कहने के लिए मंदिर जरूर है लेकिन यहाँ पर सर्वधर्म संभाव की कहानियाँ चलती हैं इनके इस मठ में कैसे जरा हमें भी समझाइए। इस मठ में जब योगी जी की सुबह सभी जनता दर्शन के लिए आते हैं लोग,
तो उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो कोई भी धर्म का हो वो अपनी बात ले करके उनसे प्रश्न कर। जब कभी बाबा यहाँ पर मठ में आते हैं, थोड़ा सा आप आइए, मैं चाहूँगा अपने सहयोगी को, जब वो आते हैं इस मठ में कभी आपने देखा उनको पूजा अर्चना करते हुए यहाँ? कभी जिज्ञासा हुई कि जब बाबा योगी आदित्यनाथ जी आते हैं तो किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं? नाथ जी को पूजा अर्चना करते हुए देखा है, योगी जी को तो नहीं देख पाया हूँ, लेकिन अवैधनाथ जी को मैंने देखा है पूजा अर्चना करते हुए। अच्छा, उनको देखा? हाँ, अवैध जी को देखा है, मंत अवैधनाथ जी को मैंने देखा है, लेकिन योगी जी को नहीं देख पाया। लेकिन हाँ, योगी जी के जनता दर्शन में हम कम से कम 2 से 3 बार शामिल हुए हैं। अच्छा, मैंने कई लोगों से पूछा अभी आते हुए मैं कि आप यहाँ पर आए हैं, वजह क्या है यहाँ आने की? बोले कि हम देखना चाह रहे थे कि योगी जी कहाँ से आते हैं। नहीं, योगी जी वास्तव में गोरखपुर से जरूर आते हैं, लेकिन अखिलेश मठ से तो लगाव उनका उनका पुराना है, ये अलग बात है। वो यहाँ के महंत भी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है अखिलेश जी के राज में जितना इटावा और सफाई का विकास हुआ, लेकिन योगी जी के शासनकाल में पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ, यह मानने की बात है। और गोरखपुर का? गोरखपुर का विकास तो होना असंभव ही है, अभी और होना है। अभी होना है, अभी और होगा। आप जितवा रही हैं योगी जी को? हाँ, जितवाए। आप इनके कहने पर वोट? नहीं, हमको पता था कि योगी जी के ही जितवाना है। अच्छा, इनके कहने पर तो वोट नहीं दे? नहीं। मतलब इनके कहने पर कहीं आप योगी जी को वोट दे रही हो फिर? नहीं, तो हम किसी के पास में नहीं, अपना जो इच्छा करे। तो आपकी इच्छा है योगी? हाँ। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? यहीं से सर। आप यहीं गोरखपुर से? सर, इस बार मतलब ओल्ड पेंशन के नाम पर हम लोग कर्मचारी जितने हैं उसमें मान लीजिए 80% तो टोटल एकदम सपा को वोट देंगे पुरानी पेंशन के लिए। और आज मेरा ट्रेनिंग भी था, हम खुद देकर आए हैं, सारे लोग देंगे, और उनके जितने परिवार वाले हैं और जितने चाहने वाले हैं, मतलब वो सब फोर्स कर रहे हैं लोगों को ओल्ड पेंशन के नाम पे एक बार अखिलेश को। विकास तो सर बहुत हुआ है, और जो रोजगार की बात करते हो, रोजगार भी अखिलेश से ज़्यादा योगी गवर्नमेंट में मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी गवर्नमेंट में 5 लाख लगभग मिला है, और 2,80,000 लगभग सपा गवर्नमेंट में रोजगार, सरकारी जॉब की मैं बात करता हूँ, और 40,000 पुलिस की एक भर्ती, 50,000 पुलिस की एक भर्ती, 68,000 एक प्राइमरी शिक्षक, 69,000 एक प्राइमरी शिक्षक, 15,000 TGT PGT 3 बार 4 बार PCS की, सर मिला जुला के संविदा कर्मचारी मिला जुला 5 लाख के आसपास या ऊपर ही मिला है। लेकिन इस बार ओल्ड पेंशन के नाम पर हम लोग सपा सरकार को वोट देंगे। अच्छा, ओल्ड पेंशन सर बड़ी भारी मुद्दा है, ये भी निश्चित है, अगर सपा सरकार नहीं भी आएगी योगी सरकार को देना पड़ेगा पुरानी पेंशन, चाहे वो 2019 में 2024 में मोदी। यहाँ पे तो लोग सभी कह रहे हैं, लोग यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर हम वोट दें। हिंदुत्व के मुद्दे पर मैं भी हूँ, ओल्ड पेंशन पे एक बार 5 साल 2 हाईवे कम बनेगा, दंगा कम होगा, देशद्रोही लोग कह रहे हैं कि एक बार ओल्ड पेंशन के नाम पर सपा को वोट देना है। ओल्ड पेंशन के नाम को लगता है बहुत बड़ा मुद्दा है सर, और इस पे हालत खराब है, कोई सी की भी सरकार बन सकती है, गारंटी है। हम लोग देख रहे हैं ना, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पिछड़ी जात का, चाहे दलित जात का हो, सारे लोग एकजुट हैं इस बार। अरे मान के चलिए अगर नहीं भी सपा सरकार आई तो 2024 में मोदी जी को देना है ओल्ड पेंशन, देना है। कांग्रेस ने तो लागू करना शुरू ही कर दिया है। तो ये नजरिया है लोगों का, अपना अपना नजरिया, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी राय है, लेकिन सियासत के केंद्र में ये मठ एक बार फिर से है, और ऐसे में योगी का लगाव इस मठ से किसी से छिपा नहीं है। और तभी जब ये सीट भी चुनी तो सपा ने कटाक्ष किया, कटाक्ष ये किया कि बीजेपी ने पहले ही योगी आदित्यनाथ को मठ भेज दिया। लेकिन क्या इसी मठ से एक बार फिर योगी 10 मार्च को बाहर निकल कर जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर भगवान ने कुछ और सोच रखा है? अब देखते हैं कि जनता जनार्दन की मर्जी और ऊपर वाले की मर्जी क्या है। ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हम सियासत के सबसे बड़े केंद्र में से एक, जहां से खुद योगी आदित्यनाथ आते हैं, वहां पर मौजूद थे। अगली बार होगी एक नई जगह पर मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।